Assalamualaikum नाज़रीन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माशफा प्रोडक्शंस वंस अगेन। आज मैं मौजूद हूँ डिफेंस में और मेरे साथ मौजूद हैं अली गिलानी साहब और ये मेरे स्कूल फेलो हैं, मेरे से सीनियर हुआ करते थे। और आज हम, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बैठे हैं इस वक्त किया स्पोर्टेज 2020 के अंदर और ओनर्स रिव्यू लेने के लिए मैं आज इनके पास आया हूँ और चलेंगे और गपशप भी करेंगे और जानेंगे इस गाड़ी के बारे में कि इन्होंने अभी तक इस गाड़ी को कैसा पाया, क्या अच्छा है, क्या बुरा है और थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। तो हम अपना सफर का भी स्टार्ट करते हैं। चले अली भाई। अली भाई, कब ली हमने ये? आज ऑलमोस्ट पूरा एक मंथ हो गया इसको। कितना चलाया अभी तक इसको आपने? अभी ये ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर हो गई है, 1957 में। सही। तो 2000 किलोमीटर की इस ड्राइव में आपने इसको कैसा पाया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा इसका रहा है, एक्सपीरियंस बल्कि बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस रहा है। अली भाई, बताइएगा मुझे, इससे पहले आप बता रहे थे कि जो है वो कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मैं इससे पहले करोला चला रहा था 1.6। सही। और 2013 मॉडल। सही। ठीक है। तो अभी जब इसको ये लेना था तो मेरा प्लान ग्रैंडे या सिविक का था। ठीक है। लेकिन अगेन जाहिर सी बात है, उनकी पिछले ओवर द ईयर एंड टू उनकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर आ गई हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक ऑप्शन इसमें आई मेरे पास। तो मुझे तो जो उम्मीद थी, क्योंकि ग्रैंडे करोला ऑलरेडी चलाई हुई है, सिविक भी अब चलाई हुई है दोस्तों वगैरह की, मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा उससे डिफरेंस फील हुआ इनका, इन टर्म्स ऑफ उसका जो कंफर्ट है, ड्राइव है, ओवरऑल जो कंप्लीट पैकेज है मेरी नज़र में। ये लोकल असेंबल हो रही है अभी आके? ये अभी भी इम्पोर्टेड इसके आ रहे हैं ये जो गाड़ी अभी इस टाइम अवेलेबल है मार्केट के अंदर? नहीं, ये लोकल असेंबल है। ये लोकल असेंबल, लोकली असेंबल है। तो इसकी, अच्छा, अब प्राइस आपको अभी तकरीबन कितनी डिफरेंस पड़ा आपको ये ग्रैंडे या आपने सिविक के साथ इसको अभी कंपैरिजन दिया है कि उनके आपने वो लेते हुए इसको प्रेफर किया है, तो कितना आपको प्राइस जो है वो जंप लेना पड़ा है उसके, मतलब इस पे आने के लिए? ग्रैंडे मेरे ख्याल से इस वक्त है कि 4.1 मिलियन की, 4 मिलियन की, बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के साथ आपको ऑलमोस्ट टैक्सेस के साथ 4.2 ऑलमोस्ट कॉस्ट करती है। सही। ठीक है। और सेम गोज फॉर सिविक। ठीक है। तो लेकिन अब उसमें ऑप्शन मेरे पास थी अल्फा की, इसमें जो एक बेसिक वेरिएंट आया है। सही। ठीक है। तो अब लेकिन आई वांटेड कि मुझे ये इसका जो पैनोरामिक रूफ है ये थोड़ा सा अट्रैक्ट किया था। सही। तो उसके लिए मैं इस पे आया हूँ। ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं अल्फा में भी जाता तो अगर आप देखें बाकी सारी जो इंजन, जो ड्राइव है, इसकी सस्पेंशन है, वो सब चीज़ें उसमें भी सेम है। सही। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना था। अच्छा, इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव वेरियंट भी आता है? ऑल व्हील भी आता है, बिल्कुल। सही। अच्छा, ये पैनोरामिक, ये पूरा ऊपर से ये शीशा है और ये क्या कहते हैं इसको, ये हम ओपन कहाँ तक कर सकते हैं? पूरा ओपन हो सकता है ये? पूरा एंड तक जाता है। अगर इसको ओपन करना है तो इसका हाफ मोर देन हाफ जो एक नॉर्मल सनरूफ होता है उसका साइज उससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होता है। बिल्कुल सही। आपको माइलेज कितनी दे रही है? माइलेज अभी तक मैं शहर से बाहर नहीं गया हूँ। ठीक है। तो शहर में मुझे अभी एसी के साथ 9-10 के दरमियान दे रही थी। और बल्कि कल अगर मैं रिंग रोड पे गया था लेक सिटी तक तो वो मैंने क्रूज लगाया हुआ था 100 पे। सही। पूरे थ्रू आउट द वे उसने मुझे 15 की एवरेज दे रहा था। 15 की विद एसी हाईवे पे? हाँ, विद एसी 100 पे मैंने क्रूज लगाया हुआ था। सही 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 सही। तो आई सपोज मोटरवे पे होंगे तो 13 तक दे देगी। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, एसी मैं देख रहा हूँ इसके अंदर एसी मैनुअल है या इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया हुआ है उन्होंने? इसमें क्लाइमेट कंट्रोल है, बल्कि ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें ये कि आप इसका अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ठीक है। आप इसका अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मैं जो ड्राइवर साइड है वो अपने। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों का अलग-अलग टेम्परेचर। वेरी नाइस वेरी नाइस। किसी को सर्दी ज्यादा लगती है तो वो अपना काम कर सकता है। वेरी नाइस। अच्छा, वेंट्स इसके पीछे भी दिए हुए या के वेंट्स आ गई हैं इसके? नहीं, इसके दो पीछे भी थे, यहां पे दो वेंट्स आ गई। ये देख सकते हैं कि दो पिछले पैसेंजर सीट्स के लिए पीछे भी वेंट्स दिए हुए और अंदर जो है वो आर्मरेस्ट दिया हुआ है जो सेपरेट करता है पिछले वाली दोनों सीट्स को। प्रोजेक्शन लाइट्स हैं और DRLs वगैरह दी हुई हैं इसके अंदर या किस तरह से करके इनकी वो? हाँ, DRLs हैं इसकी। इसकी मेरे ख्याल से जो इसकी इंस्पिरेशन है वो मेरे ख्याल से Porsche के डिज़ाइन से है, तो उसी की तरह की 4 इसकी जो DRLs हैं और सेंटर में इसका LED है, जो आपका कहते हैं हेलोजन लैंप है वो LED है, जो DRL जो आप प्रोजेक्शन है वो जो है DRLs, वो मेरे ख्याल से LEDs ही हैं शायद। सही। और लेकिन प्रोजेक्शन लैंप है। सही। और इसके अंदर वो नीचे फॉग लैंप वो भी प्रोजेक्शन है। ग्रिल मेरे ख्याल से ब्लैक ही है इसके। हाँ, ग्रिल क्रोम नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बॉर्डर्स पे वो नीचे वो क्रोम है पूरा। सही। साइड पे। ऑलराइट। इंजन इसका कितना सीसी है और इसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना हॉर्स पावर, क्या सीन है इसका? ये 2 लीटर इंजन है और इसकी 156-157 हॉर्स पावर है विद 196 टॉर्क।
और अलॉय व्हील्स इसके अंदर जो है वो कंपनी फिटेड आए हैं। हाँ, अलॉय व्हील्स इसके सही। और वो क्या साइज है जी अलॉय व्हील्स का? ये 18 का है, 18 इंचेस का ये अलॉय व्हील। और टायर इसका 225। और ये रियर व्यू के अंदर की ये क्या क्या ऑप्शन है उसके अंदर, वो डिप इफेक्ट भी देते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें भी ये ऑटोमेटिक है तो वो ऑटो डिमिंग इफेक्ट। मीटर के बारे में बताएंगे, मीटर के अंदर हम क्या क्या ऑप्शन हम इसके हमें मिलती हैं? डिजिटल डिस्प्ले है, उसमें डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं। अभी जिस तरह हमने किया हुआ है ये, इसमें जो डिजिटल ये है स्पीडोमीटर भी आ जाता है। उसके अलावा ये आपको और जो है माइलेज वगैरह शो, पूरे ट्रिप की शो कर रहा होता है। ठीक है, एवरेज क्या है, कितना फ्यूल है, फ्यूल उसमें कितना उसका रह गया। और उसके अलावा नीचे आपको वो टोटल माइलेज दे रहा होता है। अच्छा जी, स्टीयरिंग के अंदर जो है वो ये इन्होंने कंट्रोल दिए हुए, लेफ्ट साइड पे ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल हैं सारे? लेफ्ट पे मल्टीमीडिया के, सही। इसमें ये आपके आ जाता है वॉल्यूम का आ जाता है, सही। दूसरा ये जो ट्रैक चेंज वगैरह आ जाता है। इसके अलावा ये यहाँ पे है, ये स्पीच वाला भी है, स्पीच रिकॉग्निशन, जो अगर आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो या अगर एप्पल कार प्ले यूज़ करते हैं, सही, तो वो उसकी कम्प्लीट इंटीग्रेशन है। जिस तरह मेरे ख्याल से एप्पल की सीरी है और एंड्रॉइड का उसके दो वॉइस रिकॉग्निशन के साथ आपका जो वो चलता है वो आपको अगर इस वो यहीं से प्रॉपर आपको परफेक्ट। और राइट साइड के ऊपर हमारे पास क्रूज कंट्रोल है, राइट साइड क्रूज कंट्रोल है, ठीक है। और उसमें आप सेट जो उसमें कर सकते हैं, और इधर लेफ्ट पे है, ये राइट पे ही। इसके अलावा ये है इसका जो आपने जो इसके मेन्यू है इसका, डिफरेंट जो मोड्स हैं वो सेलेक्ट कर, सही, MID कंट्रोल भी उधर भी दिया हुआ है। ऑलराइट, तो इसका 6 गियर्स ऑटो ट्रांसमिशन है, ये 6 गियर ऑटो ट्रांसमिशन है। और ये पीछे इसमें देख रहा हूँ ऑटो होल्ड और ड्राइव मोड, और पीछे ये डाउनहिल ब्रेक मोड भी है। हाँ, डाउनहिल असिस्ट भी है बिल्कुल। और सही, और इसके अंदर ऑटो ट्रैक्शन भी है कि मतलब ऑटो ट्रैक्शन है बिल्कुल। उसका अलग से बटन दिया हुआ है या मतलब ये वो जेन्युइन इसी तरह आती है? नहीं, इसमें वो बटन वगैरह नहीं, वो ऑटो ही है। सही, और पुश स्टार्ट बटन है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है। कीलेस एंट्री आपकी जेब में भी अगर पड़ा हुआ आप उसको जो है वो ओपन कर सकते हैं बिल्कुल। और राइट साइड पे डोर पैनल्स के अंदर हमारे बटन के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमें दी हुई है? रिट्रैक्टेबल मिरर्स राइट साइड पे बिल्कुल, रिट्रैक्टेबल ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, ठीक है। ये वो आपकी जो स्मार्ट एंट्री के साथ है, उसके अलावा ये रिट्रैक्टेबल के साथ मेरे ख्याल से ऑटो डिफॉगिंग भी है, ठीक है, ऑटो जो हीटेड जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मिरर की जो होती है सेटिंग्स है उसका बड़ी ये बटन है, लॉक अनलॉक का बटन है, फिर जो विंडोज़ का होता है। बाकी मेरे ख्याल से सिर्फ जो ये ड्राइवर है, ड्राइवर सीट है, वो सिर्फ ऑटो है, बाकी सारे मैनुअल है। परफेक्ट, और हमारे पास ये बड़े खूबसूरत इसके वेंट्स हैं, और सबके साथ ऑप्शन है कि आप इसको इंडिविजुअली इनको बंद भी कर सकते हैं बिल्कुल। ऑलराइट, और इसके अलावा इसके अंदर नाजिन ये हम सामने देख सकते हैं डैशबोर्ड पैनल के अंदर जो है वो सिगरेट लाइटर के लिए ऑप्शन है, USB की ऑप्शन है, और 12 वोल्ट की यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट भी दी हुई है। पीछे भी चार्जिंग पोर्ट दी हुई है इसकी, पीछे भी एक USB है और एक चार्जिंग पोर्ट है 12 वोल्ट। पीछे भी एक USB और 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट दी हुई है, एम्पल किस्म की पीछे लेग स्पेस है। अच्छा, बूट इसका जो खुलता है वो भी उसके अंदर मैं देख रहा था, मैंने इससे पहले जो है वो TRD का भी किया था, इवन कि मैं Tucson के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल है, वो बटन के साथ करते हैं और वो जो है ना वो क्या कहते हैं स्मार्ट बूट गेट होता है उसका, हाँ इसमें है लेकिन वो ऑल व्हील में आता है। उसमें भी मेरे ख्याल से Tucson में भी जो उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, हाँ जी, वो अल्टीमेट 4 व्हील जो उसका वेरिएंट है उसके अंदर आता है। अच्छा, इसको और Tucson को अगर हम कंपैरिजन करें, आपने ये लिया, आपने Tucson क्यों नहीं ली? एक्चुअली मैंने Tucson का वेट किया था, ठीक है, जब तक तो तब तक मैंने उसकी देखी और मुझे वो बहुत इम्प्रेसिव लगी, ठीक है, इक्वली गुड, क्योंकि मेरे ख्याल से Tucson ही ओन कर रहा है किया को, और इनके ज़्यादातर जो चीज़ें इनके वेंडर सब कुछ सेम है, ठीक है, तो आपके इंजन सारा कुछ वो स्पेसिफिकेशन तो सेम है। अब यहाँ पर मेरा ख्याल इसमें आ जाता आपकी आपकी जो डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें जो आपकी प्रेफरेंस में Tucson का मुझे बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगा था, ठीक है, और लेकिन वो आप कह सकते हैं वो काफ़ी एक कंटेम्प्रेरी सा है, ठीक है, मुझे उसका एक तो डिज़ाइन इतना अट्रैक्ट नहीं करा, ठीक है, वो काफ़ी हालांकि इसका भी सिंपल है लेकिन उसका मुझे कुछ अट्रैक्ट नहीं किया। और उसके जो डिज़ाइन में आप अगर उसके बटन और बाकी चीज़ में उसकी क्वालिटी पे आ जाए तो वो उसका ऑनेस्टली मज़ा नहीं आया, वो एक लोकल गाड़ी वाली ही फील आ रही थी Tucson की। इसमें अगर आप देखें ये बटन को देखें उसकी क्वालिटी देखें तो ये
लेकिन काफी बेहतर प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ, इवन के कलर स्कीम है, टू टोन कलर स्कीम है, काफी ग्रे है आई थिंक, डार्क ग्रे और उसके साथ लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन है जो कि इसको काफी डिसेंट लुक दे रहा है इंटीरियर को। इसके अंदर ये जो मल्टीमीडिया डिस्प्ले लगा हुआ, इसकी क्या स्पेक्स है, इसकी क्या साइज है और इसके अंदर साउंड सिस्टम क्या, मुझे भी थोड़ा सा बताइएगा। ट्यूटर्स वगैरह भी दिए हुए हैं स्पीकर्स हैं। हां, इसमें मेरे ख्याल से 4 स्पीकर्स हैं, अभी 2 स्मार्ट ट्यूटर्स भी डोर पैनल के अंदर दिए हैं। और मेरे ख्याल से ये आपके गाड़ी के साउंड के लिए मोर देन एनफ होगा, इसके लिए आपको मतलब ये है जिसको मेरे ख्याल से हेड यूनिट जो कहते हैं वो काफ़ी सिंपल और इजी टू यूज़ है, ठीक है। और उसमें मुझे इसका ये भी बेहतर लगा कि इसमें जितने मेन की इसके हैं जो फंक्शंस हैं उसके लिए यहाँ पर बटन हैं, ठीक है। तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल से उनको रीच आउट करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। कम्पेयर टू कि अगर आपके स्क्रीन में हो एंड यू हैव टू गो ऑल द वे सारे वो बटन, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा ये जो इसमें जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसमें ईजी हो जाता है, आपकी प्रॉपर नेविगेशन बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल सीरीज में प्रॉपर फिर उसमें वो चल रहा होता है तो वो आपकी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट हैंड फ्री आपकी जो है ना इसका यूज़ हो जाता है ड्राइविंग करते हुए, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेहतर है। और ये सामने जो है वो एम्पल स्पेस का जो है वो डैशबोर्ड के अंदर ये क्लब बॉक्स भी गिवन है और आर्मरेस्ट के अंदर भी यहाँ पे कंसोल के अंदर अच्छी खासी स्पेस है कि यहाँ पर आप अपनी जो है वो जरूरत की चीजें रख सकते हैं। इसके अंदर एयर बैग कितने हैं और इसके अंदर सेंसर्स वगैरह क्या हैं, सिक्योरिटी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं किया की तरफ से? इसमें डुअल एयर बैग, ठीक है, और इसके अलावा जो सेंसर इसमें रियर सेंसर है, रियर पार्किंग सेंसर है, और जो इसमें ऑल व्हील वेरिएंट आता है उसमें फ्रंट पे भी सेंसर है। और इसके अंदर बूट के अंदर भी वैसे मैं देख रहा था कि एम्पल स्पेस है, उसके अंदर बूट सेपरेटर भी गिवन है। बूट सेपरेटर उसमें है, बिल्कुल है, और वो बल्कि उतर भी जाता है, उतर के उसके नीचे प्रॉपर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर टायर होता है, तो वो प्रॉपर अगर आपने फॉर एग्जांपल लगेज वगैरह है, बड़े बैग्स वगैरह है आपने खड़े करने, तो वो इजीली कहाँ पे वो आप हो जाते हैं। और इसके अंदर जो है फुल साइज स्पेयर अलॉय व्हील भी गिवन है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं इसमें ये फ्रंट व्हील वेरियंट, इसमें अलॉय व्हील नहीं है, इसमें जो है वो रेगुलर है, लेकिन आपको एक स्पेयर टायर की वहाँ पे स्पेस बनी हुई है। हाँ, टायर है लेकिन अलॉय नहीं है। सही है। रियर टेल माउंट जो लाइट होती है, ब्रेक, हाँ जी बिल्कुल वो है, ब्रेक लैंप है, उसके अंदर रियर वाइपर है वो भी गिवन है, रियर वाइपर भी है। इसकी सीट्स के बारे में हमें बताइएगा कि मतलब जो है ये मेरे ख्याल से फैब्रिक सीट्स इसके अंदर गिवन है। ये हाँ, ये फैब्रिक सीट्स है और जो ऑल व्हील में मेरे दूसरी आती है लेदर आता है, और ये इसकी मैनुअल भी है, इसकी जो एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है, उसमें आती है पावर्ड आती है, इसमें मैनुअल है, लेकिन बट आई गेस दे आर वेरी कंफर्टेबल। और पिछली जो सीट्स हैं वो भी रिक्लाइनर्स हैं, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं पीछे से, उनकी टेक आप आगे पीछे करने के लिए ऑप्शन। मेरे ख्याल से 3 स्टेप है रिक्लाइनर और काफी अच्छा हो अगर आप इसको देखें पीछे से। हाँ जी, तो काफी प्रॉपर एक आपको वो एक अच्छी पिछली वो लेग स्पेस भी अच्छी है केबिन के अंदर, आपको पीछे से जो वो टेक के लिए भी काफी ऑप्शन मिल जाती है कि आप उसको पीछे करके अच्छी खासी स्पेस बना सके। बिल्कुल। Alright, thank you so much, अली भाई, आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला और हमें और हमारे नाजीन को जो है वो किया स्पोर्टेज का ओनर्स रिव्यू दिया है। नाजीन अगर आप यारिस या फॉर्चुनर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मजीद बहुत मजे मजे की गाड़ियों के रिव्यूज आने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।